सऊदी बॉर्डर के पास पहुंच गए हैं और बता दूँ कितना दूर रहा। गुड आफ्टरनून गाइस और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो, एक और नई सीरीज तड़कती भड़कती एक अलग एक्साइटमेंट के साथ। मैं अरब कंट्रीज़ के अंदर बस के थ्रू ट्रैवल करने वाला हूँ। बाकी आप टाइटल से समझ ही गए होंगे कि आज जो मेरी नेक्स्ट कंट्री हो क्या है। तो सामने आप देख सकते हो ये है मर्सिडीज़ बेंज की किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया की बस। अभी हूँ मैं दुबई के अंदर और आज मैं ट्रैवल कर रहा हूँ फ्रॉम दुबई टू दमाम। वीज़ा मैंने लगभग एक महीने पहले ले लिया था लेकिन बीच में रस्किंग करने का मन कर गया और इसी कारण से सऊदी जाने के बजाय मैं चला गया सर्बिया। स्कीइंग वाला शौक पूरा हो चुका है और अब बारी है सऊदी अरेबिया की। पहले मेरा यही था कि मैं जाऊंगा फ्लाइट से, दुबई से जाऊंगा मैं रियाद, जेद्दा या फिर दमाम। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि दुबई से आप सऊदी के अंदर बस से भी जा सकते हो। अगर आप बस से जा सकते हो तो ऑब्वियस ही बात है आज तक मैंने बस के अंदर कोई भी कंट्री ट्रैवल नहीं किया। मैंने ट्रेन के अंदर किया, मैंने हिच हाइकिंग से किया है और फ्लाइट से तो मैं हमेशा करता ही हूँ, लेकिन बस मेरे लिए एक अलग टाइप का एक्सपीरियंस होने वाला था। तो फिर मैंने बस के टिकट बुक करवाई। बाकी इस टिकट के लिए मैंने पे किए हैं 260 दिरहम्स यानी लगभग 5,300 रुपीज़। दोपहर के 2 बजे ये बस यहाँ से डिपार्ट करेगी और शायद रात के 3 या 4 बजे ये बस दमाम पहुँच जाएगी बॉर्डर क्रॉस करके। लगभग 12 से 14 घंटे की जर्नी होने वाली है और यहाँ से आप अपनी बस की टिकट बुक कर सकते हो। बिलद अल शम पैसेंजर ट्रांसपोर्ट दियरा में पड़ता है ये दुबई में। और अभी जिस कंपनी के थ्रू मैं जा रहा हूँ वो है साप्तको, सऊदी अरेबिया ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। ये गवर्नमेंट की कंपनी है, सऊदी गवर्नमेंट की। और ये है भाई बस। मैं टिकट यहाँ पे कल ही बुक करवा के गया था और मैंने भाई से पूछा कि यार भाई मुझे विंडो सीट दे दोगे, तो भाई बोलता है कि यार आप है ना विंडो सीट के चक्करों में मत पड़ो, जहाँ आपका मन कर रहा है वहाँ बैठ के जाना क्योंकि बस पूरी खाली जाती है। ये मान लो मैक्स टू मैक्स 5 या 6 ही बंदे होंगे जिनके लिए बस चलेगी। अलग टाइप की एक्साइटमेंट है, थोड़ी अलग टाइप की कंट्री होने वाली है। रिसेंटली ये कंट्री टूरिस्ट के लिए ओपन हुई है तो बहुत सारे चैलेंजेस होंगे। और आप क्या क्या देखना चाहते हो सऊदी अरब में प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। यूँ मान लीजिए ये वीडियो अपलोड होने के बाद भी लगभग 15 से 20 दिन होंगे मेरे पास सऊदी को एक्सप्लोर करने के लिए। जो चीज़ पॉसिबल हो पाएंगी या फिर जो चीज़ मेरे रीच में होंगी ट्रिप के लिए, मैं अपना जो टेंट है और स्लीपिंग बैग है वो लेके आ गया हूँ क्योंकि मुझे सऊदी के जो डेजर्ट हैं, सऊदी के जो सैंड ड्यून्स हैं उनके अंदर कैंपिंग भी करना है। अब इमिग्रेशन पे क्या क्या सीन होता है, इमिग्रेशन पे लोग क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे, वो सारी की सारी चीज़ें आप धीरे धीरे इस वीडियो में आगे देखने वाले हो। और सऊदी के अंदर ड्रोन्स अलाउड हैं तो ड्रोन मैंने ले लिए और आई होप कि जब मैं ड्रोन उड़ाऊँ तो कोई पंगे ना हो और सऊदी के आपको जो स्पेशली सऊदी के डेजर्ट के आप नेक्स्ट लेवल ड्रोन शॉट्स भी देख पाओ। अभी तो ये सब प्लान्स हैं, बाकी देखते हैं क्या पॉसिबल होगा क्या पॉसिबल नहीं होगा। अरे भाई आनदीप असली स्वाद तो ये आऊँगे यार, बाकी एक महीना लेट हो गया। मैं एक महीने पहले आता तो थोड़ी गर्मी कम होती, अब गर्मी ठीक ठाक हो गई है। आज 21 फरवरी है, 1:41 हो चुके हैं, 2 बजे बस यहाँ से निकल पड़ेगी और अभी भी बस के अंदर सिर्फ मैं अकेला पैसेंजर हूँ, मुझे कोई भी नहीं दिख रहा है। बस यार यहाँ से तो निकल चुकी है और अब तक बस के अंदर अकेला मैं पैसेंजर हूँ, लेकिन जो यहाँ पे वो भाई थे उन्होंने बोला कि 7 बंदे जा रहे हैं बस में, तो मे भी और कोई पॉइंट होगा जहाँ से उन बंदों को पिकअप करेंगे। अभी दुबई के सबसे इम्पोर्टेंट रोड से बस गुजर रही है, शेख जायद रोड, और राइट साइड में अभी आ चुका है द दुबई मॉल मेट्रो स्टेशन बुर्ज खलीफा। उस साइड बुर्ज खलीफा और दुबई मॉल और ये इधर टेस्ला का शोरूम। ये जो रोड देख रहे हो ना ये है शेख जायद रोड। बस अभी दुबई और अबू धाबी के बीच में पहुंच चुकी है। दूर दूर तक रेगिस्तान के अलावा कुछ नहीं है। बीच में यहाँ पे शायद छोटे मोटे गांव बसा रखे हैं या फिर कोई इंडस्ट्रियल टाउन है, शायद आपको थोड़ा बहुत बीच में कंस्ट्रक्शन साइट दिख रही होगी। बस अभी पहुंची अबू धाबी
तो मुझे लग रहा है कि जो बाकी 6 बंदे हैं वो अबू धाबी से चढ़ने वाले हैं। पहले दुबई से बस चली, दुबई के बाद अबू धाबी आएगा, अबू धाबी के बाद बस जो सऊदी बॉर्डर है उसकी तरफ निकल जाएगी आगे। 3:30 हुए हैं और 2 बजे बस निकलती है, 1.5 घंटे का रास्ता है। अब मैं बस के अंदर अकेला नहीं हूँ, लगभग 6-7 और पैसेंजर आ चुके हैं, 2 फैमिलीज हैं शायद, एंड मोस्ट प्रोबेबली वो अपने साउथ इंडिया से हैं एंड दे आर ऑल्सो गोइंग टू सऊदी। तो बस पहले क्या करती है, पहले दुबई से चलती है, दुबई के बाद 1.5 घंटे बाद अबू धाबी पहुँच जाती है, अबू धाबी से पैसेंजर लेती है और अब वापस से इसने जो आगे की जर्नी वो कंटिन्यू कर दी है। अभी यूएई और सऊदी का जो बॉर्डर है यहाँ से 309 किलोमीटर दूर पड़ता है और बाकी जो पूरा डिस्टेंस है वो है 810 किलोमीटर का दुबई से दमाम के बीच में। 810 किलोमीटर के डिस्टेंस को बसेस लगभग 12 से 14 घंटे में कवर कर लेती है। बीच में 2 जगह का इमिग्रेशन भी आ गया, अबू धाबी से पिकअप भी आ गया। अच्छी बस है और बस के अंदर एक वॉशरूम भी है, तो अगर मान लो कि आपने ज़्यादा पानी वानी पी लिया और आपको डर लग रहा हो कि यार बस रास्ते में कहीं पर रुकेगी नहीं, तो वो आप वॉशरूम यूज़ कर सकते हो। आप जब भी यूएई से सऊदी की तरफ जाओगे या फिर सऊदी से यूएई की तरफ आओगे तो आपके पास 35 दिरहम कैश होने चाहिए, क्योंकि जब आप यूएई के अंदर एग्ज़िट करते हो या फिर एंट्री लेते हो उस टाइम पर जो यूएई इमिग्रेशन ऑफिसर्स हैं वो आपसे 35 दिरहम की फ़ीस चार्ज करेंगे फॉर द स्टैम्पिंग। अभी के लिए जो जो रिक्वायरमेंट है मेरे लिए, मेरे पास वैक्सीन सर्टिफिकेट है, 48 आवर्स की RT-PCR रिपोर्ट, अगर आपके पास ई वीज़ा है तो आप सऊदी के अंदर एंटर नहीं कर सकते वाया रोड, यू नीड टू हैव एन स्टिकर वीज़ा। और बाहर आपको दिख रहा होगा दूर दूर तक कुछ भी नहीं है, पौधे बस ये रोड के ऊपर लगे हुए हैं, लेकिन रोड से अगर आप दूर दूर तक देखोगे ना आपको मिट्टी के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। मेरे को लग रही है ठंड और मैं ना हवाबाजी के चक्कर में मैं एक स्वेटशर्ट डाल रहा था कि अगर मान लो थोड़ी बहुत ठंड होगी तो मैं पहन लूँगा, फिर मैं नहीं यार मैं नॉर्थ इंडिया से हूँ और मेरे को ठंड नहीं लगती। मैंने सारे जुगाड़ करके देख लिए, AC ऊपर से बंद करके देख लिया, पीछे वाला भी बंद करके देख लिया, आगे वाला भी बंद करके देख लिया, लेकिन ये ठंड कम नहीं हो रही है। अभी जो सऊदी का बॉर्डर है वो लगभग 150 से 200 किलोमीटर दूर बचा है। भाई इतनी तेज़ बसेज मैंने कभी नहीं देखी, नॉन स्टॉप चल रही है, ना कोई रास्ते में बत्ती आ रही है ना कोई गाँव आ रहा है, बस चले जा रही है चले जा रही है। समझ नहीं है यार क्या था ये। भाई धीरे धीरे शाम होने लग गई है, ऑलमोस्ट सऊदी बॉर्डर के पास पहुंच गए हैं और बता दूं कितना दूर रहा है अभी, 20 किलोमीटर और बचा है, 20 किलोमीटर बाद हम यूएई को क्रॉस कर देंगे। 2 बजे निकली थी बस और अभी टाइम हो रखा है 6:50। रास्ते में मुझे ट्रक्स के अलावा कुछ नहीं दिखा, सिर्फ और सिर्फ ट्रक्स जो सऊदी से आ रहे हैं या फिर यूएई से सऊदी की तरफ जा रहे हैं, कार वार बाकी और बसेस भी नहीं दिखी क्योंकि ज़्यादा बसेस हैं नहीं, यही बस खाली जा रही है यार, तो ज़्यादा बसेस जाके करेंगे भी क्या। बॉर्डर एरिया पे पहुँच गए हैं के खलीफा बिन जैद इंटरनेशनल रोड, मेरे पासपोर्ट पे यूएई का एग्जिट स्टैम्प तो लग चुका है। सिक्योरिटी चेकअप यहाँ पे कुछ नहीं हुआ यार, मुझे लग रहा था कि यहाँ पे सिक्योरिटी चेकअप होगा लेकिन आई थिंक जब सऊदी में एंटर होगे ना तब सिक्योरिटी चेकअप होगा। तो यूएई से एग्जिट हो चुका हूँ मैं 21 फरवरी 2022। यूएई का इमिग्रेशन था वो क्लियर कर दिया है और अब शायद हम बॉर्डर क्रॉस करने वाले हैं। गुड बाय का निशान आ गया है और अब हम जो आपको उधर लाइट दिख रही है वो है सऊदी अरेबिया, ऑफिशियली बॉर्डर भी क्रॉस हो गया है। ये देख लीजिए भैया, अब मैं ऑफिशियली सऊदी अरेबिया के अंदर एंटर हो गया हूँ। बाय बाय यूएई। बस धीरे धीरे एंटर हो रही है। गाड़ी के अंदर जो कंडक्टर भाई साहब थे वो PCR और वैक्सीन की रिपोर्ट लेके चले गए हैं, शायद वहाँ पे सब क्लियर करवाने के बाद पासपोर्ट के लिए तो हमें शायद खुद ही जाना पड़ेगा। पैसेंजर्स के लिए अलग लाइन है और जो ट्रक्स हैं उनके लिए एकदम ही अलग सेपरेट लाइन है।
शायद वहाँ पे चेकिंग वेकिंग भी होती होगी भाई, ट्रक के अंदर क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, क्या जा रहा है क्या नहीं आ रहा है, सारी चीज़ें शायद वहीं पे होती होंगी। ये दूसरी बस खड़ी है, ये है मेरी सऊदी की एंट्री स्टैम्प। साइड में जो आप जो दूसरे दो स्टैम्प देख रहे हो, एक है बांग्लादेश एंट्री की, एक बांग्लादेश एग्जिट की। रात का टाइम हो रखा है 8:30, सऊदी और यूएई के टाइम में एक घंटे का या फिर आधे घंटे का फ़र्क होगा। कि एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगा, जो मेरा इमिग्रेशन का एक्सपीरियंस था, मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जो इमिग्रेशन ऑफिसर थे वो मुझे वेल ट्रेंड नहीं लगे, जैसे एक्सपीरियंस मैंने यूएई में देखा था। बाकी अब शायद बस यहाँ से 15 या 10 मिनट में निकल जाएगी और होपफुली एक जगह पर रोक ले जहाँ पे हम खाना वाना खा सकें, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ भूख लगी हुई है। पर भाई ये मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस है कि कैसे चीज़ें होंगी, कैसे चीज़ें काम करेंगी, और अब देखते हैं कि कैसे कैसे एक्सपीरियंस मिलते हैं। और ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं किसी कंट्री के अंदर रात को बॉर्डर क्रॉस करके एंटर हो रहा हूँ। आज तक जितनी बार भी मैंने लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग की है वो दिन में ही होती थी, या मोस्टली दोपहर के टाइम में, फिर चाहे वो मंगोलिया से चाइना हो, या फिर रशिया से मंगोलिया हो, अजरबैजान से रशिया हो, ईरान से अजरबैजान, आर्मेनिया से ईरान, ये सारे के सारे बॉर्डर क्रॉसिंग दिन के टाइम थे। और सबसे गंदी बात क्या है कि मैं दमाम रात को 2 बजे पहुँच जाऊँगा, और मैंने अभी तक कोई भी होटल वोटल बुक नहीं किया है। मैं सोच रहा था कि बस स्टैंड के ऊपर कुछ ना कुछ मिल जाएगा, अब पता नहीं कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, सिम कार्ड है नहीं, इंटरनेट चलेगा नहीं, तो अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। लेकिन जो अभी तक एक्सपीरियंस है वो मस्त चल रहा है। बस थोड़े बहुत इमिग्रेशन वाला मुझे थोड़ा अजीब सा लगा था, क्योंकि जैसी ट्रीटमेंट आपको यूएई में मिलती है, या फिर जैसी ट्रीटमेंट इंडिया में, इंडिया का जो इमिग्रेशन ऑफिसर्स होते हैं ना, वो 90% मेरे साथ अच्छा ही एक्सपीरियंस हुआ है। बाकी मैं आपको सऊदी का वीज़ा दिखाता हूँ कि कैसा दिखता है। ये है मेरा सऊदी का वीज़ा, वैलिड अंटिल 1 साल का वीज़ा लिया था मैंने, 90 डेज तक मैं रुक सकता हूँ, मल्टीपल एंट्री वीज़ा है। तो एक बार मेरा प्लान है कि जब सर्दियाँ पड़ेंगे ना मस्त वाली, इस साल है ना सऊदी अरेबिया में एक बार स्नोफॉल हुआ था, तो मे बी जब ठंड वंड पड़ेगी तो शायद मैं वापस सऊदी अरेबिया आऊँगा। और ये है मेरी जाने मन, सबका इमिग्रेशन क्लियर हो गया, बस तो इतनी भरी भी नहीं थी, लेकिन ड्राइवर भाई साहब और कंडक्टर भाई साहब अभी तक आए नहीं है, पता नहीं कितना टाइम और लगाएंगे। आ जाओ यार, भूख लगी हुई है बहुत तेज, ज़्यादा टाइम मत लगाओ। सारा प्रोसेस, सिक्योरिटी विक्योरिटी इमिग्रेशन सब क्लियर करने के बाद अब हमारी बस ने जो आगे की जर्नी है वो कंटिन्यू कर दी है। अब बस पंगा एक ही है कि यार भूख लगी हुई है, और अब ये नहीं पता कि ड्राइवर भाई साहब गाड़ी कहाँ रोकेंगे कहाँ नहीं। पेट में बहुत तेज चूहे दौड़ रहे हैं, लेकिन क्या करें, शायद भाई साहब यहाँ पे गाड़ी रोकेंगे खाने के लिए शायद। अरे हाँ, रेस्टोरेंट आ गया है। खाना रेस्टोरेंट में ना, ठीक है। मैं सोच रहा था कि इतनी देर में आएगा, हाथों हाथ ही आ गया यार। अरे रेस्टोरेंट के अंदर आ गया हूँ, लेकिन बस मेरे पास अभी कैश वैश नहीं था ना, मेरे पास वो यूएई वाले दिरहम ही बचे हुए थे, तो मैंने जो यहाँ पे बंदा था उससे पूछा कि भाई दिरहम है काम चल जाएगा क्या, बोलते कार्ड है तो कार्ड से पेमेंट हो जाएगी, दिरहम है तो दिरहम से ही पेमेंट हो जाएगी। अभी मेरा खाना आने वाला है, एंड लगभग देखते हैं कि ये है मेरा आज का खाना, ये चटनी और नीचे है चावल, और ये है हाफ चिकन। ये है मेरा सऊदी का सबसे पहला खाना, बोन अपेटिट। रेस्टोरेंट से खाना वाना खा के आ गया हूँ, बस वाले भाई साहब मेरे लिए वेट कर रहे थे। एक मैंने चिकन राइस लिया था, 2 मैंने लस्सी ले ली थी, ये मिरिंडा थोड़ी अलग टाइप में है, और इन सभी के लिए मैंने पे किए हैं 26 दिरहम। दिरहम और क्योंकि मेरे पास अभी कैश है नहीं और मेरा कार्ड यहाँ पे काम नहीं कर रहा था, तो मैंने दिरहम में ही पेमेंट कर ली थी, और दिरहम और सऊदी रियाल की वैल्यू ऑलमोस्ट सेम है। बाकी अभी रात के 9 बज चुके हैं, दमाम अभी भी यहाँ से 300 किलोमीटर दूर बचा हुआ है, तो शायद 4 से 5 घंटे लगा दे तो बढ़िया है, ताकि दिन विन हो जाए, नहीं रात को 2-3 बजे अगर पहुंचेंगे तो कहीं का नहीं रहूँगा, ना होटल मिलेंगे ढंग से और ना कुछ और मैं कर पाऊँगा, तो आई होप बस थोड़ी लेट हो जाए। सुबह के 2 बज चुके हैं और हमारी जो बस है वो भी दमाम पहुंच चुकी है, और नींद से हो रखा है मेरा बुरा हाल। बाय बाय। सऊदी की ही मेरी सबसे पहली सिटी, मुझे लग रहा था कि ठीक ठाक होटल नहीं मिलेगा 115 रियाल में।
लगभग 2223 रुपए मान लीजिए आप। इसके अंदर एक ये छोटी सी किचन है और ये भाई साहब ये है यहाँ का टॉयलेट और ये है अपना मेन बेडरूम। इसकी लाइट ऑन कहाँ से होगी? और होटल के अंदर वाईफाई है तो शायद काम चल जाएगा। रात के ऑलरेडी 2:30 बज चुके हैं तो जो बस आने का मेरा सपना था वो पूरा हो गया है। कंट्री मैंने ऑलरेडी क्रॉस कर लिया। फ्लाइट से आता तो 1 घंटे में पहुंच जाता और बस में लग गए 14 घंटे। ठीक है, एक बार एक्सपीरियंस हो गया, आगे से मैं कभी नहीं आऊंगा। बहुत तेज नींद आ रही है। गुड नाइट गाइस, बाय बाय। आज ये मेरी दमाम की सबसे पहली मॉडलिंग है। बाहर एक कबूतर जरूर दिख रहा है। ओए 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 जो लोग बस के बारे में बहुत ज्यादा उत्साहित हैं या फिर, तो मैं आप लोगों को ये कहूंगा कि यार 5000 में यूएई से सऊदी की फ्लाइट्स मिल जाती हैं। आई वांट से कि आप रात को ऐसे ट्रैवल करिए। सबसे बड़ा पंगा पता है क्या है? बस यहाँ पे पहुँचती है रात को 2 से 3 बजे के बीच में और उस टाइम पर एक तो आपकी पूरी रात खराब हो जाएगी, अगले दिन आप लेट उठोगे। फ्लाइट पे इमिग्रेशन क्लियर करने के आप यूज्ड हो गए, बस में यार उतर उतर के जाना पड़ता है, सामान अलग से चेक करवाना पड़ता है और थोड़ा अलग सिस्टम होता है। लेकिन अगर आप फिर भी करना चाहते हो तो मैं आपको कहूंगा कि हाँ यार कर सकते हो। मेरे हिसाब से जो बसेस की कंपनी है उनको एक चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि या तो बस थोड़ी जल्दी चला दें ताकि आप दमाम रात को 7 या 8 बजे तक पहुंच जाओ, और नहीं तो बस को थोड़ा और लेट कर दें ताकि आप सुबह सुबह 6 से 7 बजे पहुँचो। बस 2 बजे चलती है और 2 बजे चल के 12 से 14 घंटे का सफ़र होता है, तो एकदम बीच में फंस जाते हो आप। तो बस इस वीडियो को मैं और ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। स्वागत है आपका एक और नई सीरीज, एक और नई कंट्री और कुछ तड़कते भड़कते एक्सपीरियंस के अंदर। तो बस यार मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, कीप ट्रैवलिंग एंड कीप एंजॉयिंग योर लाइफ। बाय बाय।